Hello, good morning friends. LS Institute of Life Science में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जिसे लिंकेज मैप कहा जाता है। लिंकेज मैप जेनेटिक्स का एक टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं जी लिंकेज मैप होता क्या है। जब कभी भी हम लिंकेज मैप की बात करते हैं सो लिंकेज मैप एक तरह से मैपिंग की तकनीक है, तरीका है जो कि इस्तेमाल किया जाता है कि इन्हीं दो जीन्स के बीच में जो प्रेजेंट डिस्टेंस है उसे मेजर करने के लिए। आइए समझते हैं कि लिंकेज मैपिंग में सबसे पहले लिंकेज का क्या मतलब होता है, क्योंकि अगर हमें इसका मतलब समझ में आ गया लिंकेज, तो फिर हम आसानी से समझ पाएंगे कि लिंकेज मैपिंग कैसे की जा सकती है। सो लिंकेज इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम। जब कभी भी हम लिंकेज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि इन्हीं दो जीन्स के बीच में कितनी दूरी है जो कि किसी एक क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। जब कभी भी हम लिंकेज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हम कुछ इस तरह की लाइन ड्रॉ करते हैं और उस लाइन का मतलब हम क्रोमोसोम लेते हैं। इसका मतलब होता है क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम के ऊपर कोई दो जीन्स कितनी दूरी पर प्रेजेंट है, या फिर कोई दो जीन्स के बारे में जो हम बात करते हैं, जैसे कि कोई जीन ए और कोई जीन बी, ऐसे दो जीन्स किसी एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, ऐसे दो जीन्स को लिंक्ड जीन्स कहा जाता है, या ऐसे दो क्रोमोसोम्स के बीच में लिंकेज प्रेजेंट है। जब कभी भी हम लिंकेज की बात करते हैं तब हम जीन्स को जो कि एक क्रोमोसोम पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर कभी हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स के साथ साथ अगर हम पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो कभी भी हम जीन को इस तरह से एक लाइन के ऊपर नहीं दिखाते। जिस समय जब हम जीन्स को एक्सप्रेस करते हैं तो उस समय लिखने का जो तरीका होता है, या तो हम ए ए बी बी इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह की जीनोटाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्या फर्क है इसमें और इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में? यहाँ पर जिन जीन्स के बीच में बात हो रही है वो दोनों जीन्स किसी एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर जिन जीन्स के बीच में बात हो रही है वो सारे के सारे जीन्स किसी एक क्रोमोसोम पे हो भी सकते हैं या नहीं भी। जैसे कि अगर हम बात करें कैपिटल ए और कैपिटल ए, ये दोनों अर्ली जीन्स हैं, और अर्ली जीन्स कभी भी एक क्रोमोसोम पर नहीं पाए जाते, वो हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। ऐसे ही कैपिटल बी और कैपिटल बी, ये दो जीन्स भी हमेशा एक क्रोमोसोम पर नहीं पाए जा सकते क्योंकि वो दोनों एलील्स हैं। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में जब कभी भी हम जीन्स के बारे में बात करते हैं तो हम उन्हें इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन लिंकेज में जब कभी भी हम बात करेंगे किन्हीं दो जीन्स के बारे में तो हम उन्हें किसी एक क्रोमोसोम पर दिखाते हैं। तो ये फर्क है लिंकेज और मेंडेलियन एंड पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स कंसेप्ट्स में, छोटा सा फर्क, छोटा सा प्रेजेंटेशन का डिफरेंस। तो यहां पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं लिंकेज के बारे में, तो हम लिंकेज के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। सो जैसे कि मैंने बता दिया कि कोई दो जीन जो कि किसी एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, ऐसे दो जीन्स के बीच में क्या पाया जाता है, लिंकेज पाया जाता है। सो ऐसे दो जीन्स आपस में लिंक्ड है विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ लिंकेज। अब किसी एक क्रोमोसोम पर अगर बात करें तो एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा जीन्स पाए जाते हैं। ये दोनों जीन्स या फिर एक से ज्यादा जीन्स जो कि इस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, वो सारे के सारे जीन्स एक दूसरे से कितनी दूरी पर प्रेजेंट है, काफी पास में है या काफी दूर दूर है। जैसे कि एक और जीन हम ले लेते हैं, दैट इज ए के साथ सी, ए और सी के बीच की दूरी काफी कम है और वहीं पर ए और बी के बीच की दूरी काफी ज्यादा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन कि दो जीन्स किसी एक क्रोमोसोम पर कितनी दूरी पर प्रेजेंट है, इसके हिसाब से जो लिंकेज है वो दो तरीकों का होता है। हम लिंकेज को दो तरीकों में बांट देते हैं, दो टाइप्स में बांट देते हैं। सबसे पहला इन कंप्लीट लिंकेज, सबसे पहला जो टाइप है उसे कहा जाता है इन कंप्लीट लिंकेज। दूसरा जो टाइप है उसे कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। सो अब हम कह रहे हैं कि किसी दो जीन्स के बीच में जो कि एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, किसी दो जीन्स के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, उसके हिसाब से जो लिंकेज है उसे दो तरीकों में, दो टाइप्स में बांटा गया है, इनकम्प्लीट लिंकेज एंड कंप्लीट लिंकेज।
कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं कि अगर कोई दो जीन्स एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पर प्रेजेंट हो, जैसे कि हम यहां पर ले रहे हैं जीन ए एंड जीन बी, इस केस में ये दोनों जीन्स एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पर प्रेजेंट है, और जबकि कंप्लीट लिंकेज में हम बात करेंगे तो किसी एक क्रोमोसोम पर कोई दो जीन जैसे कि कैपिटल ए और कैपिटल सी हमने ले रखा था, इन दोनों की दूरी कंपैरेटिवली देखी जाए तो काफी कम है। सो लिंकेज कंप्लीट टाइप का होगा या इनकम्प्लीट टाइप का होगा, ये सिंपली किस पर डिपेंड करता है, द डिस्टेंस बिटवीन जीन। नाउ इनकम्प्लीट या कंप्लीट कहने का मतलब क्या, ये तो बात सही है कि इनके बीच में दूरी कितनी है इसके हिसाब से हम कह रहे हैं कि लिंकेज कंप्लीट टाइप का होगा या इनकम्प्लीट, लेकिन वो एग्जैक्टली सही मायने पे इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब क्या होता है, सही मायने में कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर अब हम एक और टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस टर्म को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में मियोसिस के समय मियोसिस वन में होता है, और इस इवेंट की वजह से जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट जीन्स हैं वो अपनी जगह बदल लेते हैं और उस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ये देखते हैं रिकॉम्बिनेशन एक्जैक्टली होता क्या है और एक्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सो जब कभी मैं रिकॉम्बिनेशन की बात करूंगा या फिर कहना चाहूंगा तो हम देख लें एक्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। सो अभी इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, रिकॉम्बिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में देखने को मिलता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में देखने को मिलता है। सो सपोज ये कोई एक क्रोमोसोम है और ये उसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, और यहां पर जो जीन्स प्रेजेंट है कैपिटल ए कैपिटल बी, ऐसे ही होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर भी एलील्स प्रेजेंट होंगे स्मॉल ए स्मॉल बी, ऐसे दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स मियोसिस वन में प्रोफेज वन के समय रिकॉम्बिनेशन जैसे इवेंट्स में जाते हैं और क्या होता है देखते हैं। ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन दिस इज द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ओवरलैपिंग जिसे हम क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। सो क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। अब होता क्या है, ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन इवेंट दीज क्रोमोसोम्स दे कैन एक्सचेंज देयर एंड्स, ये अपने एंड को बदल लेते हैं, और एंड को बदलने से जो अल्टीमेट रिजल्ट आता है वो कुछ ऐसा हो जाता है, अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट जीन्स ने अपनी जगह बदल ली। ऐसे इवेंट्स जो होते हैं कंटिन्यूअसली मियोसिस के अंदर उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, राइट। अब क्रॉसिंग ओवर ये इवेंट जब कभी भी किसी दो जीन्स के बीच में होता है तो कोई दो जीन्स जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है वो एक साथ रहेंगे या अलग हो जाएंगे, ये सिंपली किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, उनके बीच के दूरी के बीच में, कि अगर कोई दो जीन्स एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पर प्रेजेंट है तो देखने को मिलेगा वो आसानी से क्रॉसिंग ओवर की वजह से अलग हो सकते हैं, और वहीं पर अगर दोनों जीन्स के बीच की दूरी कम है तो देखने को मिलेगा कि दोनों जीन्स एक दूसरे से अलग होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमने दो जीन्स ले लिए जिनके बीच की दूरी काफी ज्यादा थी और हमने देखा कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से वो काफी जल्दी अलग हो गए, लेकिन अगर यहीं पर हम इन्हीं दोनों जीन्स को काफी पास पास ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो क्रॉसिंग ओवर ऐसा इवेंट है जो कि रैंडम इवेंट है, रेयर टाइप के इवेंट से बहुत ही फ्रीक्वेंटली नहीं होता। तो यहां पर अगर हम देखें सो अगर क्रॉसिंग ओवर होता भी है तो भी ए और बी जीन्स को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, अभी भी इस केस में भी क्रॉसिंग ओवर का इवेंट अगर कंप्लीट हो जाए तो हमें देखने को मिलेगा कि अभी भी जीनोटाइप्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। ठीक, अभी भी जीन्स अपनी जगह पर प्रेजेंट है। हाँ, एक चीज हो सकती है, ये अलग तब हो सकते हैं जब क्रॉसिंग ओवर वाला पॉइंट, ये जो ओवरलैपिंग पॉइंट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, अगर वो इन दोनों के बीच में हो। सो बेसिकली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, सो 1, 2, 3, 4, 5 सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम एक अप्रोक्सीमेटिक अंदाजे के तौर पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, दिस पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ऐसे ही इन दो जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सके ऐसी जगह ज्यादा है, जबकि इन दो जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सके ऐसे चांसेस कम है, क्योंकि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर वाले पॉइंट्स कम है। सो यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो, इसके चांसेस ज्यादा है, और इसी वजह से चांसेस इस बात के भी ज्यादा है कि दोनों जीन्स एक दूसरे से अलग हो जाए। सिमिलरली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोई दो जीन जो कि एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, काफी पास पास प्रेजेंट है, और इस वजह से उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने की पॉसिबिलिटी इसके कंपैरिजन में कम है, तो क्या होगा? अल्टीमेटली देखने को मिलेगा कि इनके अलग होने के चांसेस कंपैरेटिवली घट जाएंगे इस वाले कंडीशन से। सो यहां पर इस पहले वाले टाइप को हम इन कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। यहां पर इन दोनों जीन्स के बीच का जो लिंकेज है वो कंप्लीट टाइप का नहीं है, और इस वजह से ज्यादा चांसेस ऐसे हैं कि ये दोनों जीन्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। जबकि यहां पर इस वाले कंडीशन को हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। यहां पर इन दोनों जीन्स के बीच में जो लिंकेज प्रेजेंट है वो कंप्लीट टाइप का माना गया है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कभी दोनों जीन्स अलग नहीं होंगे, बट कंपैरेटिवली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बिटवीन कंपेयरिंग दिस टू जीन्स, तो इनके अलग होने की चांसेस, इनके अलग होने की पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली कम है, तो इसीलिए इस तरह के लिंकेज को हम कंप्लीट लिंकेज कह देते हैं। जबकि अगर दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो तो उसे हम इनकम्प्लीट लिंकेज कह देते हैं। तो हमने यही कहा था कि कंप्लीट लिंकेज वो लिंकेज होता है जिनके दोनों जीन्स के बीच की दूरी काफी कम होती है, और इनकम्प्लीट लिंकेज वो होते हैं जो कि किसी एक क्रोमोसोम पर काफी ज्यादा दूरी पर प्रेजेंट हो, और इनके बीच में इस वजह से क्रॉसिंग ओवर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज के बीच में कुछ ना कुछ कोरिलेशन निकल करके आता है। देखते हैं कि क्या रिलेशन है, क्या कोरिलेशन है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बीच में, या फिर रिकॉम्बिनेशन के बीच में। सो लिंकेज, सो रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। तो अभी हमने यही बात डिस्कस की कि अगर किसी दो जीन्स के बीच में दूरी ज्यादा होगी तो रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा देखने को मिलेगा, और किसी दो जीन्स के बीच की दूरी कम होगी तो रिकॉम्बिनेशन कम देखने को मिलेगा। अब इसी चीज को मैं इन टर्म्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज बात करूंगा, क्योंकि जब कभी भी हम क्रॉसिंग ओवर जैसे इवेंट्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कितने रिकॉम्बिनेंट्स बने। सो कितने रिकॉम्बिनेंट्स बने, दैट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कि कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट बने और कितने परसेंट पैरेंटल टाइप्स रह गए जिनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। तो यहां पर रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज कितना परसेंट रिकॉम्बिनेंट्स आएंगे, दिस सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। तो अब इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि बेसिकली रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज ज्यादा आएगा अगर कोई दो जीन्स आपस में काफी दूर दूर है, और अगर काफी पास पास है तो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज कम आएगा। मतलब बेसिकली हम बात कर रहे हैं मैपिंग की, लिंकेज मैपिंग। मैपिंग का मतलब, लिंकेज का मतलब मैं आपको अभी बता चुका हूं। मैपिंग का मतलब, मैपिंग का मतलब ये
कि किसी दो चीज या कोई दो जगह के बीच की दूरी कितनी है, मैपिंग का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर हम किसी दो जीन जो कि एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है उनके बीच की दूरी कितनी है ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट अ लिंकेज मैपिंग। और अभी हमने कह दिया कि कोई दो जीन काफी ज्यादा पास में है तो ज्यादा रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज आएगा, इसका मतलब सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, अगर रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज काफी ज्यादा है इसका मतलब ये है कि दो जीन्स काफी ज्यादा दूरी पर है, और अगर रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज कम आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि रिकॉम्बिनेशन डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज वेरी लेस। सो जाहिर सी बात है ये कोरिलेशन सामने निकल करके आता है। और लिंकेज मैपिंग की खासियत यह है कि यहाँ पर जो हम डिस्टेंस पता कर लेते हैं कि दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं होता, डिस्टेंस व्हाट वी गेट इन लिंकेज मैपिंग दैट इज रिलेटिव डिस्टेंस। सो रिलेटिव डिस्टेंस हमें पता चलता है, रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब कि हमें एक्यूरेट दो जीन्स के बीच की दूरी पता नहीं चलती, सिर्फ और सिर्फ ये पता चलता है कि दोनों जीन्स काफी पास में है, काफी दूर है तो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज ज्यादा आएगा, और काफी पास में है तो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज बहुत ही कम आएगा। इस तरह से हम रिलेटिव डिस्टेंस के बारे में अंदाजा लगा पाते हैं। तो इस चीज से एक और चीज मैं आपको बता सकता हूँ, इतनी जानकारी से एक और चीज मैं बता सकता हूँ कि अगर रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज is equal to the distance between genes, recombination percentage ही distance between gene होता है, मतलब कि जो भी recombination percentage आएगा वही उनके बीच का डिस्टेंस होता है। यही हम लिखते हैं कि अगर recombination percentage 10 आ रहा है तो इसका मतलब उन दोनों जीन्स के बीच की दूरी 10 सेंटीमॉर्गन है। सेंटीमॉर्गन इज यूनिट जिसको हम जनरली लिंकेज मैपिंग में इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमॉर्गन या फिर मैप यूनिट, ऐसे दो यूनिट्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है लिंकेज मैपिंग के अंदर। तो बड़ा सिंपल सा कोरिलेशन है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता कर लेना है कि कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट्स बने या कितना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आई, और अगर आपको वो मिल गया तो आपको क्या पता चल जाएगा कि उन दोनों जीन्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, वो दोनों जीन्स एक दूसरे से कितनी दूरी पर प्रेजेंट है। ठीक, तो इसी बेसिक कंसेप्ट के बेस पर हम आगे जाते हैं लिंकेज मैपिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लिंकेज मैपिंग के प्रॉब्लम्स किन्हीं सिंपल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। सो बहुत जरूरी चीज है कि रिलेटिव डिस्टेंस पता चलता है, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज is equal to the distance between gene, जितना ज्यादा recombination percentage आएगा genes के बीच की दूरी उतनी ज्यादा होगी, जितना कम recombination percentage आएगा genes के बीच की दूरी उतनी ही कम होगी। तो आइए देखते हैं कि कैसे questions जो कि बहुत ही ज्यादा common है हर तरह के competitive exams में, recombination percentage या फिर जो linkage mapping equations जो बहुत ज्यादा common है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जैसे कि नीट और नेट के एग्जाम में, CSIR NET के एग्जाम में, तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इस लिंकेज मैप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे जरूरी चीज कि जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन में से हमें पता लगाना है रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज। तो सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज। अगर आपने रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज निकाल लिया तो आप उन दोनों जीन्स के बीच की दूरी बता सकते हैं, जो भी परसेंटेज होगा वही उस दोनों जीन्स के बीच की दूरी होगी सेंटीमॉर्गन में। सो सेंटीमॉर्गन या फिर लिंकेज मैपिंग कर रहे हैं तो हमें सबसे पहली जो जानकारी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन में सीधे सीधे परसेंटेज दे दिया होता है, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज दे दिया होता है, नहीं तो फिर वो कभी कभी क्या देते हैं रिकॉम्बिनेंट्स या रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी दे देते हैं कि कितने रिकॉम्बिनेंट्स बने वो दे देते हैं, और हमें उस रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी से क्या निकालना होता है परसेंटेज।
तो परसेंटेज अगर दिया हुआ है तो हमारा काम काफी आसान है, हम काफी आसानी से दोनों जीन्स के बीच की दूरी बता सकते हैं। लेकिन अगर रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले क्या पता लगाना पड़ेगा, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज। तो दो तरह के क्वेश्चंस बड़े ही कॉमनली आ जाते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जैसे कि सिंगल पॉइंट क्रॉसिंग ओवर, डबल पॉइंट क्रॉसिंग ओवर, जिसे टू पॉइंट टेस्ट क्रॉस, थ्री पॉइंट टेस्ट क्रॉस भी कह दिया जाता है। तो सिंगल पॉइंट क्रॉसिंग ओवर, डबल पॉइंट क्रॉसिंग ओवर, हम एग्जैक्टली जो है वो इसी के एग्जाम्पल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम्स। So let's talk about some examples. सब कुछ एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करते हैं कि लिंकेज मैपिंग के प्रॉब्लम्स किस तरह से आते हैं।